सबसे पहला काम ट्रिप को हम जीरो कर देते हैं, ट्रिप ए जीरो, ट्रिप बी पेट्रोल का ट्रिप है। यहाँ से लेना है यू टर्न और उसके बाद हाईवे सातरा 100 किलोमीटर। तो ये रहा कतरज का नया टनल 1.458 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर का लगभग है। Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. तो गाइस अभी हुआ है टाइम 7:32 और किलोमीटर हुआ है 21 किलोमीटर ओनली। पहला टोल प्लाजा हम क्रॉस करने वाले हैं। अब आएगा हाईवे का असली मजा। फोर किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया है और राइट नाउ टाइम इज 8:34। तो अभी अचानक से इतना बारिश आने लगा। ऑलराइट गाइस, तो पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे हैं। पहली बार 1000 रुपीज़ का पेट्रोल भरेंगे। 1000 पूरा भर्ती हो गया तो गाइस 1.61 लीटर तेल भरने के बाद पेट्रोल का टंकी पूरा फुल हो गया, मतलब ये टैंक चलो 12 बज रहे हैं, 208 किलोमीटर डन। तो अब जाके बारिश ख़त्म हुआ है। बारिश ख़त्म होने के बाद इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर, देखो धूप भी नहीं है, ये जो वेदर है एकदम परफेक्ट फॉर राइडिंग वेदर हो गया है। अभी कंगोली टोल प्लाजा हुबली 177 किलोमीटर। ओके गाइस, तो हम लोग कर्नाटक पहुंच गए हैं। तो मक्खन का तरह रोड है, रोड बड़ा मस्त है। तो बाइक का सर्विसिंग का सिंबल क्यों आ रहा है? सर्विसिंग तो जस्ट करवा के लाए, अभी क्यों भाई? और क्या चाहिए तेरे को? गाइस, जब निकले हैं हम घर से, निकलने के बाद मुझे याद आया कि मैं पॉल्यूशन टेस्ट नहीं करवाया हूँ बाइक का। 1 ईयर तक शायद तो पॉल्यूशन नहीं करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं करवा लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस पुलिस पकड़ा तो फिर फाइन तो मारेगा ही पास। इट्स बेटर कि पॉल्यूशन टेस्ट करवा लूँ। पर तो गाइस 1:06 हो रहा है और 285 किलोमीटर तक बाइक चलाए हैं। ये रोड में इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है कि बार बार मेरा ये राइट साइड का लुकिंग ग्लास जो है वो अपने आप नीचे चला जाता है, तो इसको थोड़ा टाइट करवाना पड़ेगा लग रहा है। ये लुकिंग
8। आराम से बैठो, आराम से। तुम कादा चश्मा लगा के सो रही थी क्या? ताकि पता नहीं चले। काला चश्मा लगा के सो रही थी ताकि मुझे पता ना चले। तो 304 किलोमीटर डन, 1:19। रेडी, चलो। ये कौन सा नदी है ये तो मुझे मालूम नहीं है। ब्रिज है तो नदी हो सकता है। अरे बारिश हो रहा है। ओह माय गॉड, बारिश हो रहा है, बारिश बारिश बारिश। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया। अचानक से बारिश आने लगा और ऐसा बारिश आया कि पूछो मत, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। और अभी हम आए हैं खाने के लिए, पहले खाना वाना खाते हैं। और अभी हम लोग बेलगेम के पास में हैं और 80 किलोमीटर है हुबली। देखते हैं हुबली क्रॉस करते हैं या हुबली पहुँचते हैं उसके पास आसपास में होटल ढूंढेंगे। चलिए निकलता है फिर यहाँ से, बारिश भी रुक गया है। चलो these ocean waves, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here, oh. We could disappear into this atmosphere where this water's clear, yeah. अभी हम लोग हुबली के आसपास हाईवे में रुके हैं। 450 किलोमीटर मेरा राइड डन हो गया आज का, तो कल का राइड सुबह को स्टार्ट करना है। और यहाँ पे पहुँचने से पहले इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, बारिश के वजह से पूरा सारा कुछ भींग गया। आज बारिश हो रहा था पूरा दिन, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था कि रेनकोट डालने के बाद भी सैडल बैग में पानी आ जाएगा। ये है मेरा सैडल बैग, ये सब सामान, लैपटॉप भी सूख रहा है, ये लड़की भी सूख रही है। अभी हम जाएंगे कैरी बैग के खोज में। मिल गया हमको कैरी, मिल गया, ये लो कैरी बैग। कम से कम काम हो जाएगा भाई, छोटा छोटा कैरी, एटलीस्ट लैपटॉप चला जाएगा, बस खत्म बात। नहीं नहीं बाबा, कुछ कपड़े भी चाहिए। हाँ ठीक है ना। बताइए आज आपको राइड करके कैसा लगा? राइड तो अच्छा ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर देखा जाए कि ये बारिश वारिश छोड़ के राइड में कैसा लगा वो बताइए आप। राइड अच्छा था, राइड अच्छा था। हाँ, पहले 100-200 किलोमीटर थोड़ा सा अनकम्फर्ट और फील हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत अच्छा हुआ है,
गड़बड़ सिर्फ एक ही हुआ है, वो है कि बारिश और सैडल बैग भीग गए, कपड़े भीग गए। तो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। So let's get lost out here. No one